अमेरिका और यूरोप की आशंका, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस तय की गई तारीख पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फेसबुक पोस्ट लिखकर किया बड़ा दावा, कहा रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर किसी भी पल हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर देश के नागरिकों का हौसला बढ़ाया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा, हमें अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है, रूस को हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, लगभग 70 रूसी हेलीकॉप्टर पहली बार क्रीमिया में खाली पड़े एयरबेस पर दिखे। व्हाइट हाउस का बयान, रूस के साथ अभी भी बातचीत खुली हुई है लेकिन यूक्रेन सीमा पर हालात चिंता बढ़ाने वाले। यूक्रेन सीमा पर रूसी गतिविधियां बढ़ी, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा सैन्य जमावड़ा। रूस के शहर बेलग्राद में दिखा सेना का मूवमेंट, यूक्रेन से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है यह शहर। यूके ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की, जल्द ही रूसी हमले की आशंका जताई। अमेरिका ने बेलारूस में अपने नागरिकों से देश छोड़ने की अपील की, रूसी फौजों के जमावड़े के बाद जारी की गई एडवाइजरी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बात की, कूटनीतिक रास्ते से समस्या सुलझाने की मांग की। रूस की सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा, बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर रूसी सैनिक, मिसाइलें और टैंक हमले के लिए तैयार। रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन संकट पर भारत से बातचीत की, एंटनी ब्लिंकन ने की क्वाड के सदस्यों से चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन पर हमला करने की अपनी योजना से रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए 100 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप, 14 और बटालियन बॉर्डर की ओर रवाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन से बात की, दोनों ने ताजा हालात पर चर्चा की। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने पर लिया यू टर्न, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि नाटो में यूक्रेन के शामिल होने से हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। यूक्रेन संकट पर नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की, नाटो चीफ ने कहा युद्ध से किसी का नहीं होगा भला। बाइडेन और बोरिस जॉनसन ने फोन पर की 40 मिनट तक बात, जॉनसन बोले कूटनीतिक रास्ते से समाधान नहीं होने पर रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार, यूरोप जाएंगे बोरिस जॉनसन। रूस और यूक्रेन के बीच खतरनाक होते हालात पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, जॉनसन बोले अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता देने की तैयारी में ब्रिटेन। यूक्रेन पर रूस के हमले के प्लान पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी बैठक में रहे शामिल, रूस और नाटो देशों की रणनीति पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध टालने की कोशिश में जुटे फ्रांस ने कहा यूक्रेन पर रूस हमला करने की पोजीशन में आ चुका है, यूरोप कड़े प्रतिबंध लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। युद्ध के संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दिया अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को निमंत्रण, बोले बाइडेन के यूक्रेन आने से सुधर सकते हैं हालात। रूसी और यूक्रेन के बीच जंग टालने के लिए आज रूस पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, रूस से बातचीत का रास्ता अपनाने की करेंगे गुजारिश। दुनिया को रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग से बचाने के लिए कल यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी कर चुके हैं मुलाकात। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की जंग की तैयारी किसी भी सूरत में जायज नहीं, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लाखों जवान और टैंक हमले की पोजीशन बना रहे हैं।
रूस यूक्रेन टेंशन के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच बातचीत सबसे खराब दौर में है। द्विपक्षीय बातचीत में सिर्फ नकारात्मक बातें हो रही हैं। यूक्रेन से जंग शुरू होने से पहले रूस के आर्मी चीफ का बड़ा बयान। यूएस सबमरीन ने रूस के जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, अगर कोई हमारी सीमा में आया तो सेना हमले के लिए तैयार है, यह कहा। रूस के दिग्गज पत्रकार दिमित्री किसलीव का यूक्रेन पर गंभीर आरोप। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी पत्रकार दिमित्री ने कहा है कि यूक्रेन ने डोनबास में रूस समर्थक हजारों लोगों को पकड़कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। रूस यूक्रेन तनाव पर ग्रीस के पत्रकार का ट्वीट। यूक्रेन की सेना ने दो यूनानियों को मार गिराया। यूनानियों पर मिंस्क समझौतों के उल्लंघन का आरोप। अमेरिका ने रूस को बड़े हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस किसी न किसी बहाने यूक्रेन पर हमला करेगा। अमेरिका ने नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा का संकल्प लिया। रूस ने अमेरिकी हमले की चेतावनी को हिस्टीरिया करार दिया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका पर एक्शन में अमेरिका। कीव में दूतावास के सभी कंप्यूटर्स को नष्ट करने का आदेश। अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब की क्रेडिट गारंटी देने की बना रहा योजना। रूस हमले से बर्बाद हो सकती है यूक्रेन की इकोनॉमी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस को दिया अल्टीमेटम। बोले यूक्रेन में किसी भी रूसी सैनिकों की घुसपैठ के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूस ने तैनात की मिसाइलें। एयरफोर्स नेवी को किया अलर्ट। यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे रूस के 1,48,000 सैनिक। बॉर्डर के करीब हजारों रूसी टैंक और आर्टिलरी का जमावड़ा। अमेरिकी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लाखों जवान और टैंक मौजूद हैं, हमले की पोजीशन बना रहे हैं। पेंटागन ने पहले कहा था यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के 1,00,000 सैनिक मौजूद हैं। रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ तैनात। 4-5 दिनों में यूक्रेन ने बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। रूसी नेवी ने वॉरशिप से आर्टिलरी फायरिंग का अभ्यास किया। आर्टिलरी फायर से सतह पर टारगेट को तबाह किया। समंदर में भी रूस की सेना पूरी तरह से तैयार। ब्लैक सी में रूस के 30 से ज्यादा युद्धपोत एक्शन में। कई रूसी पनडुब्बियां भी युद्धाभ्यास में ले रही हैं हिस्सा। यूक्रेन भी रूस को जवाब देने के लिए तैयार। रूस से खतरे के चलते यूक्रेन ने जर्मनी से मांगी 12,000 एंटी टैंक मिसाइलें। यूक्रेन तनाव के बीच रूस ने क्रीमिया में किया युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान क्रू ने दुश्मन के नकली ठिकानों पर दागे 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार। रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिम से और बातचीत का दिया संकेत। माना जा रहा है कि क्रेमलिन का इरादा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आशंका को लेकर अमेरिकी चेतावनी के बीच राजनयिक प्रयासों को जारी रखने का है। पश्चिमी देशों से रूस गारंटी चाहता है कि नाटो गठबंधन यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य न बनाए। हालांकि इन मांगों को पश्चिमी देशों ने सिरे से कर दिया है खारिज। यूक्रेन से जंग से पहले रूस ने अपना युद्धाभ्यास तेज कर दिया है। तोपों और आर्टिलरी के साथ रूस और बेलारूस की ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज हुई तेज। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फाइटर के साथ बेलारूस का भी सुखोई फाइटर जेट गश्त लगातार नजर आया। रूसी और बेलारूसी Su-30SM फाइटर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रूस का जंगी बेड़ा यूक्रेन के बेहद करीब मौजूद है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा रूस किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।